Hello, everyone. Good evening. वेलकम टू एम बाइव आप सभी का स्वागत है एम बाइव के इस डिफेंस प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत जितने भी लोग यहां पर सेशन के साथ कनेक्ट कर चुके हैं सेशन के साथ जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग सभी को शुभ संध्या आज की तारीख यहां पर बनती है ट्वेंटी ऑफ फेबर और आज नेशनल साइंस डे भी है और आज की तारीख की बात हम लोग करें तो ये फ़रवरी मंथ का लास्ट डे आपका यहां पर बनता है तो चलिए आज इस आखिरी दिन फरवरी मंथ के चलिए फटाफट से करेंगे सेशन की शुरुआत धनंजय कुमार जी गुड इवनिंग आपका स्वागत है आपका वेलकम है और जितने भी लोग यहां पर सेशन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं जुड़ते जा रहे हैं सभी को वेलकम सभी को गुड इवनिंग तो चलिए शुरुआत करते हैं आज नेशनल साइंस डे जो आपका यहाँ पर मनाया जाता है मैं आप सभी से ये जानना चाहूँगा कि ये किस वैज्ञानिक या किस साइंटिस्ट के नाम पर यह दिवस आपका यहाँ पर जाना जाता है और उनके नाम पर इस दिवस को नेशनल साइंस डे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर कर यहाँ पर बताइएगा अट्ठाइस फरवरी आज की तारीख यहाँ पर बनेगी जो लोग नए हैं पहली बार सेशन के साथ कनेक्ट करेंगे मैं उनको बता दूँ कि सबसे पहले हम लोग लास्ट सेशन में जो हम लोगों ने एम का डिस्कशन किया था जो हम लोगों ने कल जितनी भी करंट अफेयर्स न्यूज आप सभी के साथ डिस्कस की थी उसका हम लोग पहले यहाँ पर करेंगे एम के माध्यम से रिवीजन और उस रिवीजन के बाद प्रीवियस क्लास रिवीजन के बाद हम लोग करंट अफेयर्स न्यूज पर आ जाएंगे और न्यूज का डिस्कशन शुरू करेंगे सीवी रमन साहब बिल्कुल सही कहा धनंजय कुमार जी वेरी गुड वेरी नाइस तो चलिए अब बिना किसी देरी के करते हैं सेशन की शुरुआत बिल्कुल सही कहा फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार उन्हें यहाँ पर दिया गया था धनंजय कुमार जी ने हमें ये जानकारी यहाँ पर दी है बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्वेंटी करंट अफेयर्स की शुरुआत जो भी न्यू है या पहली बार हमारे साथ इस सेशन में कनेक्ट कर रहे हैं मैं उनको बता दूं कि करंट अफेयर्स क्यों जरूरी है आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एनालिसिस है कि अलग अलग एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स का कितना वेटेज आप सभी के लिए यहां पर रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स के काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स की एक बेहतरीन तैयारी आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प कर सकती है और आपको फाइनली यहां पर एग्जाम को आ, निकालने में आपकी मदद करेगी तो करंट अफेयर्स की बेहतरीन तैयारी बहुत जरूरी है डेली बेसिस पर रात आठ बजे डिफेंस यूट्यूब चैनल पर एम बाइव आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो आप डेली बेसिस पर इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं और जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि अब हम पर पर करने वाले हैं सेशन की शुरुआत और शुरुआत और करेंगे प्रीवियस क्लास रिवीजन के साथ तो जितने भी लोग जुड़ चुके हैं डू लाइक द सेशन एंड फटाफट से सेशन की लिंक को यहां पर शेयर जरूर कर दीजिएगा चलिए तो सभी लोग आ चुके हैं जुड़ चुके हैं तो प्रीवियस क्लास रिवीजन हम लोग यहां पर करेंगे शुरू ठीक है लास्ट सेशन में लास्ट क्लास में जो भी हम लोगों ने करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कस की थी उस पर बेस्ड डेम से क्यों रिविजन आपका फटाफट से हो जाएगा और यहाँ पर एक एक भी है है आपके लिए ना करेक्शन भी है तो मैं वो भी बता दूंगा चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर वन आप सभी के सामने ये रहा आराम से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और बताएगा सही जवाब क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर वन अकॉर्डिंग टू द रिसेंट अनाउंसमेंट द इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट विल पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर दैट विल बी हेल्ड इन विच ऑफ़ दी फॉलोइंग कंट्रीज आराम से रीड करिएगा और बताएगा कि सही जवाब यहाँ पर क्या बनेगा कि यहाँ पर अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना का जो दल है वो यहाँ पर एक्सरसाइज को एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर में पार्टिसिपेट करने के लिए इसने यहाँ पर किस देश के लिए उड़ान भरी है या किस देश में एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर में शामिल होने के लिए भारतीय दल आपका शामिल होने जा रहा है यू में यूके में सिंगापुर में इंडिया में यहाँ इंडिया में ही ये एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है तो विशाल का आंसर है यूके धनंजय का आंसर है यूके वेरी गुड एवरी जय हिंद विशाल शर्मा जी जय हिंद चलिए सही जवाब यूनाइटेड किंगडम ऑप्शन नंबर नंबर बी इज इज द राइट आंसर हियर वेरी गुड एवरीवन बिल्कुल सही नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सेकंड व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स सेटिंग अप इट्स फर्स्ट विमेन एंड चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन रिसेंटली हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने राज्य का पहला फर्स्ट विमेन एंड चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन आपका यहां पर बनाया है कंस्ट्रक्ट हो चुका है अभी इनोग्रेशन नहीं हुआ है लेकिन उसका निर्माण यहां पर हो चुका है असम स्टेट केरला स्टेट मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सही जवाब भोपाल के पास इस पुलिस स्टेशन को बनाया गया है और भोपाल आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में स्टेट कैपिटल है तो ऑप्शन नंबर सी uh, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर हेयर नमन बंसल जी का आंसर भी है कि सर सी आंसर बनेगा शालिनी का आंसर भी है कि ऑप्शन नंबर सी बनेगा बिल्कुल सही है वेरी गुड एवरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट इज द बंदीकूट दैट वॉज रिसेंटली बीन हेर्ड इन द न्यूज बांदीकूट क्या है बांदीकूट क्या है नमन बंसल जी फटाफट से बताएगा सही जवाब यहां पर क्या बनेगा एक रोबोटिक एसकेवेंजर है है ना या फिर एक स्पाई कैमरा है फॉर पेरालाइज पर्सन न्यू स्पीसीज ऑफ फ्लावर डिस्कवर जिसको किया गया है केरला में और न्यू डिवलप्ड वॉटर डिटेक्टिंग इक्विपमेंट है बताइएगा यह क्या है और कहीं ना कहीं जो मैनुअल एस्केंजिंग है मैनुअली uh, जो मेन होल्स की सफ़ाई होती है सीवरेज नालियों की सफाई होती है बेसिकली uh, उसको यहाँ पर ख़त्म करने के लिए इस रोबोट को यहाँ पर तैयार किया गया है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है हाँ बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस क्राउन प्रिंस एंड प्रिंसेस रिसेंटली अराइव्ड इन इंडिया द फर्स्ट इन टू डेकेट्स फॉर अ फोर डे विजिट किस देश के प्रिंस और प्रिंसेस हाल ही में दो दशकों के बाद हिंदुस्तान की चार दिवसीय यात्रा पर आए हैं कंट्री आपकी यहां पर क्या बनेगी तस्वीरें भी उन्होंने खिंचवाई ताजमहल के सामने आप यहां पर देख सकते हैं यूएई के प्रिंस और प्रिंसेस या फिर कतर ब्रुने और डेनमार्क हेलो सरवानी जी हेलो 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 फटाफट फटाफट आंसर दीजिएगा सही जवाब यहां पर जो बनेगा वो बनेगा डेनमार्क ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ठीक है वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज़ इंडियाज़ रैंक अमंग द फिफ्टी फाइव लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमीज़ ऑन द इंटरनेशनल आई पी इंडेक्स आई पी का फुलफॉर्म बनेगा इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रिलीज रिसेंटली बाय द यू एस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स यहां पर एक छोटा सा अपडेशन है और वो छोटा सा अपडेशन है किसवीं रैंक है पचासवीं रैंक है, है, है भारत की तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत की यहाँ पर जो रैंक बनेगी वो बयालीसवीं रैंक बनेगी इसे अपडेट कर लीजिएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में पचपन देशों की इकोनॉमीज में भारत की रैंक फोर्टी है है तो इस ये एक, एक अपडेशन है लास्ट सेशन का इसे अपडेट कर लीजिएगा ठीक है तेतालीस नहीं बयालीस है है ना तो इसे अपडेट कर लीजिएगा एक नंबर कम कीजिएगा इसको ठीक है तो ये अपडेट है आप सभी के लिए कि इसको करेक्ट कर लीजिएगा ठीक है चलिए तो आज के करंट अफेयर्स न्यूज का करेंगे यहां पर डिस्कशन शुरू ओके तो चलिए क्वेश्चन नंबर सॉरी न्यूज नंबर वन के साथ करेंगे सेशन की शुरुआत पहली न्यूज आपकी यहां पर बनती है एनवायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड यहां पर आपके सामने एक फ्लावर है एक फूल है और ये फूल बेसिकली है कपास का कपास का, का, का फूल आपने देखा होगा जिससे कॉटन आपका यहां पर बनता है ठीक है सर ये किस टाइम पर सेशन अमित ये सेशन डिफेंस यूट्यूब चैनल पर होता है डिफेंस स्पेशली फॉर द डिफेंस एग्जामिनेशन है ना रात आठ बजे ठीक है वैसे बेसिकली इस सेशन को कासिफ सर कंडक्ट करते हैं लेकिन कभी कभार जरूरत पड़ने पर मैं भी ये सेशन ले लेता हूं है ना स्पेशली यहां पर करंट अफेयर्स डिफेंस एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए हम लोग कंडक्ट कराते हैं नेहाल जी जय हिंद वेलकम है आपका तो चलिए अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा पिंक बॉलवॉर्म रेजिस्टेंट जीएम जीएम मींस जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन गेट्स द ग्रीन लाइट फॉर द फील्ड ट्रायल्स इन हरियाणा देखिए ये कॉटन है यानी कि कपास है कपास का फूल है क्लियर है मेरी बात और कपास के इस फूल की अगर बात यहां पर की जाए तो बेसिकली इस पर एक पिंक सुंडी जो आपने देखा होगा फसलों में सुंडी वगैरह लग जाती है ना है ना तो पिंक कलर की जो सुंडी होती है सुंडी या सुडी, जो भी आप समझना एक तरीके का कीट होता है जिससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है आपने यहां पर पिंक कलर की सुंदी आपकी यहां पर देखी है क्लियर है हाँ, इंपॉर्टेंट रहेगी शालिनी बिल्कुल रहेगी बिल्कुल है बिल्कुल है तो चलिए अब यहां पर क्या हुआ है एक ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन आपका यहां पर तैयार किया गया है फील्ड ट्रायल के लिए हरी झंडी मिल चुकी है जो कि बेसिकली जो पिंक सुंडी आपकी होती है उससे आ, मतलब उसको यहां पर फैलने से रोकेगा या इस रोग से इस बीमारी से निदान आपका यहां पर मिल पाएगा सुनिएगा विद इन मंथ्स कुछ ही महीनों के अंदर ऑफ द अप्रूवल न्यू फील्ड ट्रायल्स फॉर एन एरे ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स या ऐसी फसल जिसे जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है जिसमें मस्टर्ड की फसल भी है पोटैटोज भी है रबड़ भी है इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन 16 इयर्स द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी हैज़ अप्रूव दंफाइंड फील्ड ट्रायल्स ऑफ फॉर पिंक बॉल फॉम रेजिस्टेंट जेनेटिकली मोडिफाई कॉटन इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा तो पिंक सुडी से निजात दिलाते हुए जो कि पिंक सुडी का असर इस पर नहीं होगा इस कॉटन पर नहीं होगा तो जेनेटिकली मॉडिफाई जो कॉटन है उसको यहां पर फील्ड ट्रायल के लिए अप्रूवल दे दी गई है बात समझ में आ गई सभी को क्या कहने की कोशिश की जा रही है थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करते हैं और यहां पर बात करते हैं पिंक सुंडी की है ना बेसिकली ये कीट होता है सुंडी होती है जो कि फसल को नुकसान पहुंचाती है इससे किसानों को काफी नुकसान होता है अगर हम बात करें इस पिंक सुडी की तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ कॉटन कॉटन की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले सबसे खतरनाक या सबसे विनाशकारी कीटों में से एक है यह पिंक सुंडी इसका साइंटिफिक नेम आप सभी के सामने है ये रहा इस पिंक सुंडी की बात करें तो यह भारत की ही नेटिव है यानी यहीं से हुई है इट इज नाउ रिकॉर्डेड इन नियरली ऑल दी कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड और दुनिया के लगभग हर देश में जहां पर कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है कॉटन ग्रो किया जाता है उगाया जाता है वहां पर यह पिंक सुंडी आपकी पाई जाती है वाई इट इज अ थ्रेट टू द इकोलॉजी आखिर ये इकोलॉजी के के लिए जो हमारा पर्यावरण है उसके लिए ये क्यों खतरा है Because pink are major of cotton. हमने देखा कि cotton की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले सबसे बड़े कीटों में से एक है सबसे खतरनाक कीटों में से एक है अगर हम पिंक सुंडी की बात करें तो जो अडल्ट होते हैं ओनली लास्ट फॉर दी टू वीक्स तो जो पिंक सुंडी अडल्ट होते हैं वो केवल दो हफ्ते जीते हैं तो वो उतना नुकसान नहीं पहुंचाते बट फीमेल्स विल ले 200 हंड्रेड और मोर एग्स लेकिन जो फीमेल सुनरी होती है वो 200 से भी ज्यादा अंडे यहां पर जो कॉटन फ्लावर होती है उस पर ही अंडे देती है अडल्ट ले एग्स ऑन कॉटन बॉल्स तो जो अडल्ट होते हैं वो कॉटन बॉल्स के ऊपर ही अंडे देते हैं वंस हैस्ट द लार्वा ईट द सीड्स एंड डैमेज द फाइबर्स ऑफ द कॉटन रिड्यूसिंग द यील्ड एंड क्वालिटी तो बेसिकली जो उस अंडों से लार्वे आपके यहाँ पर निकलते हैं वो लार्वे बेसिकली बीज को खा जाते हैं फूल को नुकसान पहुंचाते हैं कॉटन को नुकसान पहुंचाते हैं फाइबर जिससे कॉटन का धागा और कॉटन के कपड़े बनते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं जिससे कि इस फसल का उत्पादन प्रभावित होता है इस फसल की क्वालिटी प्रभावित होती है तो ये एक बड़ी समस्या है वेन द लार्वा मेच्योर जब लार्वा आपके मेच्योर हो जाते हैं दे कट आउट द बॉल एंड ड्रॉप द ग्राउंड ये उस कपास के फूल को काट के तोड़ देते हैं या उसको हटा देते हैं वो ग्राउंड पे गिर जाता है एंड द कोकून नियर द सल सरफेस एंड इट आल्सो डैमेज द दिबिकस ओकड़ा और जो भी आपके दूसरे प्लांट्स हैं इनको भी ये नुकसान पहुंचाते हैं तो ये खतरनाक है तो बेसिकली ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज और कॉटन तैयार करने के लिए अब पर मतलब अप्रूवल दे दी गई है ये तैयार हो चुका है कि अब इसका ट्रायल किया जाएगा तो ये जो जेनेटिकली मोडिफाई कॉटन होगा उस पर पर इसका असर आपका यहाँ पर नहीं होगा है ना फील्ड ट्रायल के लिए अप्रूवल मिल गई है बात समझ में आ रही है तो कॉटन फार्मर्स के लिए काफी अच्छी खबर है कॉटन की जो खेती होती है वो कमर्शलाइज फार्मिंग में आती है और जो कॉटन क्रॉप होती है वो कमर्शियल क्रॉप होती है क्योंकि उसका इस्तेमाल कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कॉटन की खेती के लिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है बेहतरीन मानी जाती है क्योंकि काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल में जो वाटर वेप मतलब पानी जो मॉइस्चर होता है उसे होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है दैट्स वाई कि काली मिट्टी कॉटन की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है तो याद रखिएगा कि काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल आपकी यहाँ पर अच्छी मानी जाती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि अवार्ड्स और रिकोगशन से रिलेटेड है एस ए जी अवार्ड्स टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री यहाँ पर के हुई क्वान बिकम्स द फर्स्ट एशियन मेल टू विन दी अवार्ड एस ए जी अवार्ड जीतने वाले ये पहले एशियाई पुरुष आपके यहां पर बनते हैं नाम इनका है के हुई क्वान और अभी हाल ही में जो एस ए जी अवार्ड सेरेमनी आपकी वहां पर हुई थी वहां पर इन्होंने अवार्ड आपका यहां पर जीता है तो चलिए डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं ट्वेंटी नाइन उनतीसवें एनुअल स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड तो स्क्रीन से एस

क्रिएटेड हिस्ट्री उन्होंने इतिहास रच दिया है बाई विनिंग द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड फॉर हिज रोल एज द वेमंड फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस तो यहां पर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए इन्होंने यहां पर अवार्ड जीतकर ये पहले एशियाई मेल पर्सन आपके यहां पर बन जाते हैं सानू सिंह जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं क्लियर है एक्टर का नाम याद रहेगा ठीक है पहले एशियाई एक्टर एशियन मेल जिन्होंने अवार्ड आपके यहां पर जीता है आगे बात कर लेते हैं डिटेल्स द विन मेक्स क्वान द फर्स्ट एशियन मेल टू विन अ फिल्म एक्टिंग अवार्ड एट द एनुअल गिल्ड सेरेमनी सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1994 इस अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत उन्नीस में हुई थी और तब से लेकर अब तक बेसिकली एक इतिहास यहां पर रच दिया है इतिहास यहां पर बना दिया है कि पहले एशियाई व्यक्ति और मेल एक्टर आपके यहां पर बनते हैं जिन्होंने ये अवार्ड आपका यहां पर जीता है क्लियर है क्या आपने इनको किसी फिल्म में भी देखा है आपको याद है बहुत ही पॉपुलर एक ओ सीरीज़ आई थी उसमें भी आपने इनको देखा होगा लिखकर बताइए ही इज द ओनली द सेकेंड एशियन एक्टर टू विन एनी इंडिविजुअल एस ए जी प्राइज़ एन इन इधर फिल्म और टेलीविज़न तो सेकंड एक्टर बनते हैं चाहे फिल्म की बात करें टेलीविजन की बात करें जिन्हें इंडिविजुअली ये पुरस्कार आपके यहाँ पर दिया गया है वन ईयर आफ्टर द स्क्ड गेम्स ली जंग जे वन द मेल एक्टर इन द ड्रामा सीरीज अकॉर्डिंग टू दी वेरायटी इससे पहले स्क्वेड गेम्स अच्छा मैं ही कंफ्यूज हो गया स्क्वेड गेम में ये जो एक्टर थे इन्होंने भी ये अवार्ड जीता था है ना उन्हीं की तरह देखते भी हैं अच्छा नहीं ये जो फिल्म ये जो फोटो है ये तो उन्हीं की है स्क्वेड गेम्स के जो मेन एक्टर थे ये उनकी फोटो है ली जंग जेई है ना उसके बाद इनके बाद इनके ये दूसरे इंडिविजुअल पर्सन आपके यहां पर बनेंगे इनकी तस्वीर तो खैर अलग है मैं ही कंफ्यूज हो गया मुझे लगा कि भाई ये उन्हीं की तस्वीर है ओके okay, चलो वॉट इज द स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड अवार की बात यहां पर कर लेते हैं क्या है ये इवेंट स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड आर एक्ुलेट गिवन बाय द स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अमेरिकन फेडरेशन ऑफ द टेलीविजन एंड रेडियो आर्टिस्ट इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये आपका यहाँ पर दिया जाता है अवार्ड की शुरुआत फाउंडेशन 1952 में हुआ था द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द मूवीज एंड प्राइम टाइम टेलीविजन तो मूवीज परफॉर्मेंस और प्राइम टाइम टेलीविजन परफॉर्मेंस उनको यहाँ पर सम्मानित करते हैं पहली बार ये पुरस्कार नाइनटीन में दिए गए थे ठीक है प्रेजेंटेड बाई दी दिस ऑर्गेनाइजेशन ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज अगली इंपॉर्टेंट न्यूज डिफेंस कैटेगरी से है ओके okay, तो डिफेंस कैटेगरी में एक बहुत ही शानदार न्यूज आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कुछ नया आप लोग यहां पर जानोगे और सीखोगे इंडियन एयरफोर्स डेवलप्स एंड इंडजीनियस वायु लिंक वायु लिंक प्लेटफॉर्म फॉर जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का मतलब हो जाएगा संप्रेषण यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है इंडियन आर्मी है इंडियन एयरफोर्स है भारतीय वायुसेना के सैनिक हैं आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए ग्राउंड कम्युनिकेशन करने के लिए उनके पास अब एक जैमर प्रूफ यानी कि उस कम्युनिकेशन पर कोई भी आपका यहाँ पर आ, उसको ब्रीच नहीं कर पाएगा या फिर उसको हैक नहीं कर पाएगा या फिर उसकी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होगा उनकी कोई बातें नहीं सुन पाएगा जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन के लिए वायु लिंक आपका यहाँ पर बनाया गया है डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना हैज़ डिवलप्ड उन्होंने यहाँ पर विकसित किया है कमेंट सेक्शन मुझक मुझे, मुझे लिखकर बताएगा कि इंडियन एयरफोर्स डे जो आपका यहाँ पर मनाया जाता है वो किस तारीख को मनाया जाता है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा इंडियन एयरफोर्स हैज़ डेवलप्ड एन इनोवेटिव सोल्यूशन उन्होंने एक नया इनोवेटिव सोल्यूशन आपके यहाँ पर निकाला है दैट वुड हेल्प पायलट्स जो कि पायलट्स की मदद करेगा डील विद द बैड वेदर बुरे मौसम से अगर वो गुजर रहे हैं आप बुरा मौसम है तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन सेटअप करने में हेल्प करेगा एंड प्रोवाइड देम और उनको प्रोवाइड कराएगा विद जैमर प्रूफ अन इंटरप्टेड कम्युनिकेशन विद द बेस स्टेशन तो बेसिकली वो लोग बुरे मौसम में भी अगर आसमान में उड़ रहे हैं तो वो अपने बेस स्टेशन से यहाँ पर बेहतर कम्युनिकेशन सेटअप कर पाएंगे और ये जेमर प्रूफ भी होगा ठीक है तो सिक्योरिटी ब्रीस होने के चांसेस भी आपके यहाँ पर नहीं होंगे बात समझ में आ रही है देन से यस एवरी वन एग्जैक्टली वायु लिंक है क्या वायु लिंक इज एन एड हॉक डेटा लिंक कम्युनिकेशन सिस्टम बेसिकली एक कम्युनिकेशन सिस्टम है

या इनक्रप्टेड मैसेज यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि आपकी बात आपके टेस्ट मैसेजेस केवल दो लोग जो आपस में इनक्रप्टेड हैं वो ही आपके यहाँ पर देख सकते हैं कोई थर्ड पार्टी उन मैसेजेस को नहीं देख सकती तो ये बहुत ही सिक्योर लाइन हो जाएगी सेफ एंड सिक्योर क्योंकि भारतीय वायुसेना जो भी बातचीत करेगी कम्युनिकेशन करेगी वो बहुत ही हाई लेवल सिक्योरिटी वाली बातें होंगी भाई है ना उनको लीक होना नहीं चाहिए करेक्ट है वायु लिंक uses the इंडियन रीजनल नेविगेशन Satellite सिस्टम और IRNSS. ये हमारा देसी जी पी एस है आप ऐसे समझिए इसको दूसरा नाम भी दिया गया है नाविक जैसे कि अमेरिका का जी पी एस सिस्टम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसके पूरी दुनिया को घेरने वाले सेटेलाइट्स पूरी दुनिया में बहुत सारे सेटेलाइट्स हैं जो कि जी पी एस नेटवर्क को वर्किंग के लायक बनाते हैं तो ठीक उसी प्रकार भारत के एरिया में और भारत के आसपास के रीजन में है ना 150 किलोमीटर की रीजन में बेसिकली नाविक uh, देसी जीपीएस आप इसे समझ सकते हैं तो ये बेसिकली आईआरएनएसएस को यूज करता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को यूज करता है जो काफी सेफ एंड सिक्योर है द एडवांटेज ऑफ द सिस्टम इज दैट इट प्रिवेंट्स जो भी इससे बेसिकली दूसरी तरीके की चीजें हो सकती हैं लड़ाई के दौरान कम्युनिकेशन ब्रीच नहीं होना चाहिए सिक्योर रहना चाहिए सिस्टम वो हो पाएगा इट मीन्स यू आर एबल टू नो वेयर आर ग्राउंड फोर्सेस आर प्रेजेंट इसके माध्यम से आप ये भी जान पाओगे कि हमारी ग्राउंड फोर्सेस कहाँ पर है कुल मिलाकर बुरे मौसम में लड़ाई के दौरान सिक्योरिटी ब्रिज बिना करते हुए जेमर प्रूफ कम्युनिकेशन ये प्रोवाइड करता है जिससे भारतीय वायुसेना को आपस में एक सिक्योर कम्युनिकेशन करने में मदद मिलेगी इसके लाभ क्या होंगे

टीमिंग सिस्टम सर्विस तो यहाँ पर बेसिकली एक बहुत ही शानदार और सटीक टीमिंग सिस्टम सर्विस भी इससे मिल पाएगी इट ऑल्सो हेल्प ये और मदद करेगा इन सेटिंग रियल टाइम टारगेट्स विद द हेल्प ऑफ विच मल्टीपल टीम्स कैन अटैक द टारगेट साइमिलियसली एक पर्टिकुलर टारगेट को सेट करने के लिए रियल टाइम टारगेट लोकेशन बताएगा जिससे मल्टीपल टीम्स उस टारगेट पर साथ ही साथ अटैक कर सकती हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है द इंडीजीनियस जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म वायु लिंक इज हेल्पफुलॉर ऑल दी सर्विस ऑफ द कंट्री ऑल दी थ्री सर्विस ऑफ दी कंट्री यानी कि अभी तो भारतीय वायुसेना इसका इस्तेमाल कर रही है लेकिन आगे चल के भारतीय वायुसेना के साथ साथ भारतीय नेवी और भारतीय आर्मी भी इसका इस्तेमाल कर सकती है तो उनके बीच में जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन लीक प्रूफ कम्युनिकेशन यहाँ पर हो पाएगा तो ये शानदार बात है लिंक क्लियर है नाम इसे क्यों दिया गया है अब आप समझ गए होंगे कि इसका नाम वायु लिंक है क्यों है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज अगर आपको ज्योग्राफी में थोड़ा भी इंटरेस्ट है आप थोड़ा बहुत सोलर सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है नहीं भी रखते हैं तो भी यह खबर आपके लिए है क्योंकि यह खबर इस समय चर्चा में है खबरों में है वाय सन की बात करें सूर्य की बात करें तो बेसिकली नहीं सन की बात नहीं करेंगे अर्थ की बात करेंगे अर्थ की अगर आप लोगों ने लेयर्स के बारे में पढ़ा होगा इनर कोर आउटर कोर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा है ना तो अब यहां पर पृथ्वी के इनर कोर में आंतरिक कोर में एक नई लेयर आपकी फाइंड आउट की गई है साइंटिस्ट ने इस बात का दावा किया है ध्यान से सुनिएगा साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैव डिस्कवर्ड इन्होंने खोज निकाला है न्यू लेयर, एक नई लेयर खोज निकाली है पृथ्वी के इनर कोर में याद रखिएगा पृथ्वी के इनर कोर में है आउटर कोर में नहीं है मेंटल में नहीं है क्रस्ट में नहीं है कहां है इनर कोर में है याद रखिएगा ठीक है अ टीम ऑफ रिसर्चर्स हैज फाउंड एविडेंस उन्हें इस बात के सबूत मिले हैं ऑफ अ न्यू डिस्टिंक्ट लेयर विद इन आवर प्लैनेट अर्थ्स इनर कोर उन्हें इस बात के साफ-साफ सबूत मिले हैं कि पृथ्वी के इनर कोर में यहां पर एक और लेयर भी है बात समझ में आ रही है अकॉर्डिंग टू दी सिस्मोलॉजिस्ट सिस्मोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पृथ्वी की आंतरिक घटनाओं पर या उनके परिवर्तन पर नजर रखते हैं सिस्मोलॉजी इसकी स्टडी कहलाती है सिस्मोलॉजिस्ट हैव दी ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी डेटा गैदर फ्रॉम सिस्मिक वेव्स उन्होंने सिस्मिक वेव्स के माध्यम से डेटा गैदर किया है कॉज बाय द अर्थ इनर कोर उनका कहना यहां पर है कि जो भी सिस्मिक वेव्स की वजह से मतलब जो भी अर्थक्विक जब अर्थक्विक आता है तो सबसे पहले मतलब सिस्मिक वेव्स के असर होते हैं फिर उसमें सरफेस वेव्स भी आती हैं सबसे खतरनाक होती हैं सरफेस वेव्स जो बाद में आती हैं है ना सर्फिस वेव्स धरातलीय तरंगें जिसकी वजह से पृथ्वी कुछ ज़्यादा ही हिलती है और उसकी वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी हो जाती हैं जान माल का नुकसान सरफेस वेव्स की वजह से होता है तो उसके डेटा में ये बात निकल कर आई है कि इस हैज शेड न्यू लाइट ऑन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इनर कोर उसमें इस बात और इस सिस्मिक वेव्स के डेटा से पता चलता है कि एक नई लेयर वहाँ पर मौजूद है इट इज़ अ सॉलिड ड्यू टू हाई प्रेशर डीप ये जो लेयर आपकी है सॉलिड है ड्यू टू हाई प्रेशर क्योंकि आंतरिक इलाके में आंतरिक कोर में बहुत ज्यादा प्रेशर है दबाव है विद इन द अर्थ दैट स्टॉप्स आयरन अलॉय फ्रॉम मेल्टिंग और ये उस आयरन अलॉय को पिघलने से रोकता है इनर कोर में माना जाता है कि आपका आयरन है और ये ठोस फॉर्म में आपका मौजूद है हाँ सेकेंडरी वेव्स प्राइमरी वेव्स सेकेंडरी वेव्स है ना सरफेस वेव्स आपने सुना होगा ठीक है तो बेसिकली अलॉय को मेल्ट होने से रोकता है ठीक है इट इज अ क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर विद इन द इनर कोर्स इनर मोस्ट रीजन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट हाइफ हाइजेस्ट अबाउट दी ईयर्स अगो इट वॉज आइडेंटिफाई थ्रू द डेटा गैदर फ्रॉम दिसमिक वेस्ट कॉज बाय दर्थक्विक्स पहले भी अगर हमें ये कैसे पता चला कि पृथ्वी के इनर कोर में क्या है आउटर कोर में क्या है मेंटल में क्या है करस्ट में क्या है, क्या है, क्या है? तो कई सालों पहले जो आपका अर्थक्विक वगैरह आते हैं तो उनकी वजह से जो सिस्मिक वेव्स आपकी उत्पन्न होती है उनके डेटा को गैदर करने के बाद हमें यह पता चला कि इनर कोर में क्या है आउटर कोर में क्या है तो वो सारी चीजें ज्योग्राफी में आपने पढ़ाई होगा वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फिफ्थ लेयर ये जो पांचवी लेयर आपके सामने आई है इसका महत्व तो क्या है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द पास्ट इवेंट्स ऑन द अर्थ दैट ऑफ मिलियंस और टू है अरबों सालों पहले पृथ्वी पर क्या हुआ था तो ये ये जो नई लेयर है ये हमें यहाँ पर बताती है फिफ्थ लेयर इट प्रोवाइड्स अ न्यू वे टू प्रूव अर्थ इनर कोर एंड इट्स सेंटर मोस्ट रीजन एंड इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेल्यूशन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे इवेल्युएट हुई कैसे बनी इनर कोर में क्या है सेंट्रल मोस्ट रीजन में क्या है वो सब समझने में ये, ये नई लेयर आपकी मदद करेगी तो ठीक है बस याद रखिएगा कि हाँ इनर मोस्ट लेयर या फिर यू कहें कि इनर कोर में आपकी एक नई लेयर आपको यहां पर मिली है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि एनवायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड है केरला तमिलनाडु और कर्नाटका ये तीनों राज्य यहां पर मिलकर एक सरेंकोनाइज फर्स्ट सरेंड वर्ल्चर सर्वे आपका यहां पर कंडक्ट करा रहे हैं वर्चर यानी कि गिद्ध गिद्धों की आबादी कितनी है इनकी पॉपुलेशन कितनी है ये तीनों राज्य मिलकर यहाँ पर एक स्रिंकोनाइज सर्वे करा रहे हैं जिससे डुप्लीकेसी ऑफ द ये आपकी यहाँ पर ना हो है ना तो ये एक एक्यूरेट सर्वे होगा इसीलिए इसे सर्वे कहा जा रहा है तीनों राज्य एक साथ मिलकर इस सर्वे को कंडक्ट करेंगे ताकि डुप्लीकेसी ऑफ आप द आपकी यहां पर ना हो यानी कि किसी गिद्ध को दो बार ना गिलने भाई हम है ना केरला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट अलोंग विद इट्स काउंटर पार्ट तमिलनाडु एंड हैज हैजेनाइज तीनों मिलकर द फर्स्ट सेंकनाइज वल्चर सर्वे आपके यहां पर कर रहे हैं इन सिलेक्ट रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट के जो पहाड़ है सहयाद्री माउंटेन्स कहते हैं वेस्टर्न घाट्स को आपने देखा होगा वेस्टर्न कोस्ट में यानी कि पश्चिमी तट पर एक लंबी पर्वत श्रृंखला है उसे सहयाद्री माउंटेन सीरीज या फिर वेस्टर्न घाट्स कहते हैं तो वहां पर इस सर्वे को कंडक्ट आपका यहां पर किया जाएगा क्लियर है डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं और क्या है चीजें और डिटेल में सेंकनाइज वर्ल्चर सर्वे 2023 थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री दी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाउंडेशन जो कि एनजीओ है वो भी इसमें शामिल होगा एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफ थ्री स्टेट्स तीनों ही राज्यों के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इसमें शामिल होंगे और सर्वे जो वल्चर्स का होगा वो होगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व नागरहोल्ड टाइगर रिजर्व और अदर फॉरेस्ट इन कर्नाटका कर्नाटका के इन नेशनल पार्क्स में होगा और अदर जंगली एरिया में होगा वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और केरला यहां पर सर्वे होगा मुदुमलाई नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में यह सर्वे आपका यहां पर कंडक्ट किया जाएगा वाई स्रिंकनाइज सर्वे आखिर स्रिंकनाइज सर्वे ही क्यों आपका यहां पर कंडक्ट किया जा रहा है स्रिंकनाइज सर्वे इज

अगर आप यस लिखेंगे मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई आपको क्लियर हो रहा है एंड डू लाइक द सेशन सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक like करते हुए चलिएगा समझने की कोशिश करिएगा बहुत ही अच्छी न्यूज है वल्चर कंजर्वेशन इनिशिएटिव हमारे देश में वल्चर्स के लिए गिद्धों के लिए एक वक्त था एक समय था जब हमारे देश में अलग अलग इलाकों में अलग अलग एरियाज में वल्चर्स यानी कि गिद्ध नजर आते थे कोई जानवर वानवर मर जाता था तो गिद्ध आ जाते थे मंडराने लगते थे ही है ना लेकिन अभी क्या है कि वल्चर्स की जो पॉपुलेशन है बड़ी कम हो गई है गिद्धों की आबादी कम हो गई है गिद्ध बेसिकली क्या है प्रकृति के सफाई कर्मचारी हैं इनका होना भी बहुत जरूरी है जो एक लाइफ चक्र होता है ना बेसिकली एक ये एक जो इकोलॉजी सिस्टम होता है उसमें इनका होना बड़ा ज़रूरी है जैसे कि आपने देखा होगा कि घर में कोई छोटा मोटा जीव जंतु मर मरू जाता है तो चीटियाँ आती हैं उसको उठा के ले जाती हैं देखा होगा है ना बिल्ली चूहे को खाती है देन सांप मेढक को खाता है इस तरीके से एक चक्र बनता है तो ठीक उसी प्रकार जो मरे हुए जानवर होते हैं एनिमल्स होते हैं है ना उनकी बॉडी पड़ी होती है सड़ती गलती रहती है तो बेसिकली वल्चर्स ही होते हैं जो कि प्रकृति के सफाई कर्मचारी होते हैं वो ऐसी चीजों को ठिकाने लगाने में एक्सपर्ट होते हैं है ना उनको खा पी के निपटा देते हैं खत्म कर देते हैं तो इनका होना भी एनवायरमेंट में और नेचर में बड़ा जरूरी है क्या हुआ था दो में भारत सरकार ने गिद्धों के कंजर्वेशन के लिए उनके संरक्षण के लिए एक दवाई थी एक ड्रग था डाइक्लोनोफेनोक ठीक है Diclofenoc, नाम की एक दवाई थी बेसिकली क्या होता है एक तरीके का ड्रग होता है ये ड्रग एनिमल्स को दिया जाता है ठीक है जैसे जो जानवर होते हैं गाय भैंस वगैरह इनको दिया जाता है जब इनको कोई दर्द होता है या बीमारी होती है तब इनको ये दवाई दी जाती है जिससे ये एक तरीके का पेन किलर का, का काम करती है ठीक है डाइक्लोफेनोक एक पेन किलर का काम करती है एनिमल्स के लिए लेकिन जब वो एनिमल्स मर जाते हैं ठीक है तो जब उन एनिमल्स को छोड़ दिया जाता है खुले में तो यही डाइक्लो फेनास जो उनके शरीर में मौजूद होती है वल्चर जब उनके मांस को खाते हैं तो वो उनके लिए जहर का काम करता है उससे वो मारे जाते हैं बात समझ में आ रही है क्लियर है तो इस पर क्या किया गया इसके इस पर बैन लगा दिया गया ताकि इस दवाई का इस्तेमाल ना हो ताकि उन एनिमल्स के मरने के बाद गिद्ध ना मरें ठीक है तो यह बहुत बड़ा कारण था हमारे देश में वल्चर्स की संख्या के कम होने का एक्शन प्लान फॉर दी वल्चर कंजर्वेशन इसके लिए बहुत सारे एक्शन प्लान लिए गए प्रिवेंट्स स्पीसीज एक्सटेंशन इन कंजर्वेशन प्रोग्राम्स लाइक प्रोमोटिंग दी वल्चर रेस्टोरेंट्स सेटेलाइट टैगिंग ऑफ वल्चर्स जहां पर वल्चर्स की गर्दन पर या उनके पंखों पर आपने जियो टैगिंग लगी होगी जिससे हम पता चलता रहता है कि भाई गिद्ध जिंदा है नहीं है कहां मूवमेंट कर रहा है ये सारी चीजें उनकी काउंटिंग के लिए जरूरी थी ताकि उनका संरक्षण किया जा सके क्लियर है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज कर्नाटका स्टेट कर्नाटका स्टेट टू गेट कंट्रीज फर्स्ट मरीना टू प्रमोट कोस्टल टूरिज्म समुद्र तटीय इलाके पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला मरीना मरीना बेसिकली एक एरिया होता है समुद्र तट के किनारे है ना और वहां पर हर तरीके की फैसिलिटीज और एक्टिविटीज को यहां पर प्रमोट किया जाता है टूरिज्म को लेकर ताकि उस कोस्टल एरिया में लोग आए और नेचर का मजा लें तो वहां पर इसको डेवलप किया जाता है मरीना एरिया आपके यहां पर ये यह बनेगा तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं आप लोग तो दीदार करने में ही रम गए हैं यहां ध्यान दीजिए टू प्रमोट कोस्टल टूरिज्म समुद्र तटीय इलाके में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटका स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट मरीना वो यहां पर देश का पहला मरीना यानी कि समुद्र तट के किनारे एक पूरा का पूरा एरिया विकसित किया जाएगा बीच पर समुद्र के तट पर एक पूरा एरिया डेवलप किया जाएगा जहां पर हर तरीके की फैसिलिटीज और मनोरंजन की चीजें उपलब्ध होंगी पर्यटकों के लिए ओके विल बी कंस्ट्रक्टेड इस निर्मित किया जाएगा एट दी the... बेंजूर इन दी उडीपी डिस्ट्रिक्ट तो इसे उडीपी डिस्ट्रिक्ट में आपके यहाँ पर डेवलप किया जाएगा इन कर्नाटका ये कर्नाटका के जो समुद्र तटीय इलाके हैं वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देगा द गवर्नमेंट विल ऑल्सो सीक परमिशन फ्रॉम देंट्रल गेगुलेक अप द बीच टूरिज्म इन कोस्टल एरियाज एंड प्लेग्रम टूरिज्म तो सरकार यहाँ पर राज्य सरकार चाह रही है कि केंद्र सरकार से कुछ रिलेक्सेशन भी मिले ताकि कोस्टल रेगुलेशन जोन के मुताबिक कुछ चीज़ें वहां पर प्रतिबंधित होंगी ना तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए ताकि वो टूरिज्म बीच को यहां पर जो बीच टूरिज्म है उसको प्रमोट कर सकें कोस्टल एरियाज में दिस विल नॉट ओनली हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ द टूरिज्म बट आल्सो हेल्प द पीपल अंडरस्टैंड द रिच हिस्ट्री ऑफ द स्टेट राज्य की रिच हिस्ट्री के बारे में भी लोग यहाँ पर समझ पाएंगे और कोस्टल एरिया में टूरिज्म का मजा भी वो लोग वहां पर ले पाएंगे क्लियर है मेरी बात आगे डिस्कशन करते हैं अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई जो कि वर्तमान चीफ मिनिस्टर आपके यहाँ पर बनते हैं कर्नाटका के द हिस्ट्री ऑफ द ग्रेटेस्ट डायनेस्टीज हम देखते हैं कि कर्नाटका स्टेट और कर्नाटका स्टेट का जो वर्तमान रीजन है आज का इलाका है वो प्राचीन काल में और मध्य भारत मध, मध्य मध्यकालीन इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर गंगा डायनेस्टी कदम्ब डायनेस्टी राष्ट्रकूट डायनेस्टी चालुक्य डायनेस्टी होयसला डायनेस्टी विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ और द आर्कोलॉजी एंड और डिवलप द हिस्टोरिक टूरिज़्म तो वहाँ से उनकी हिस्ट्री को भी कलेक्ट किया जाएगा और उससे रिलेटेड चीज़ों को भी वहाँ पर यूज़ किया जाएगा ताकि लोग उनके इतिहास के भी बारे में जाने कर्नाटका की हिस्ट्री के बारे में भी जाने गवर्नमेंट हैज प्रपोज टू बिल्ड अ कॉरिडोर ऑफ एंशियन टेम्पल्स लाइक तो यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर हैं उनका एक कॉरिडोर बनाने की भी कोशिश यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट की है मधुकेश्वरा इन बनवासी एंड दत्तात्रेय इन गंगापुरा टू प्रमोट द यात्रा टूरिज्म तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं जो एंशियन टेम्पल्स हैं उनकी भी यात्रा कर सकते हैं इस कॉरिडोर के माध्यम से तो यह आपके लिए एक बेसिकली तीर्थ यात्रा जैसा अनुभव होगा और इतिहास से भी जुड़ पाएंगे द गवर्नमेंट विल डेवलप दिनाकल एरिया वाइल दाद्री हिल डेवलपमेंट ये एरिया भी आपका डेवलप किया जाएगा टू बी रिकॉगनाइज टूरिस्ट गाइड्स तो यहाँ पर जो भी टूरिस्ट गाइड होंगे जो कि पर्यटकों को गाइड करेंगे पांच हजार रुपए का मंथली उनको पेमेंट भी जाएगा कर्नाटका इज ब्लेस विद द नेचर्स बॉन्टी एंड इट हैज 350 हंड्रेड एंड फिफ्टी किलोमीटर कोस्टल एरिया ये यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब का कहना है कि तीन सौ पचास किलोमीटर लंबा कोस्टल एरिया है कर्नाटका में टेन डिफरेंट वेदर जोन है हमारे कर्नाटका में एंड चार सौ किलोमीटर का वेस्टर्न घाट का एरिया है आर रिच बायोडाइवर्सिटी एंड सनशाइन फॉर द थ्री हंड्रेड डेज इन सेवरल रिवर्स तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे पर्यटन को बढ़ावा देंगे इससे राज्य को भी बढ़ावा मिलेगा रोजगार वगैरह भी बढ़ेगा क्लियर है ओके okay, तो चलिए आज की फैक्ट बुक को ओपन करते हैं ट्वेंटी एट ऑफ फेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री आज की फैक्ट बुक क्या कहती है कौन कौन सी न्यूज है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी आगे बढ़ने से पहले डू लाइक द सेशन एवरीवन एक बार फटाफट से सेशन को सभी लोग यहां पर लाइक like जरूर कर दीजिएगा चलिए टूडेज फैक्ट बुक की बात करते हैं तो फैक्ट बुक नंबर वन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो आपका यहाँ पर दिया गया है टू के लिए वो दिया गया है सज्जन जिंदल साहब को तस्वीरें आपके सामने हैं सज्जन जिंदल साहब को यहाँ पर क्या दिया गया है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड दिया गया है इंपॉर्टेंट रहेगा यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी उन्होंने सम्मानित किया है इंडियन इंडस्ट्रीज भारतीय उद्योगपति सज्जन जिंदल रिसेंटली विद द बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ दू था ट्वेंटी के पुरस्कार से उनको यहां पर सम्मानित किया गया है एट द सेम फंक्शन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वॉज गिवेन टू दी सिंह ठीक है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड सज्जन जिंदल को दिया गया है जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है के पी सिंह को जो कि चेयरमैन बनते हैं डीएलएफ ग्रुप के के पी सिंह इज स्पेशली नोन फॉर सेटिंग ऑफ डीएलएफ सिटी इन द गुड़गांव गुड़गांव या गुरुग्राम में डीएलएफ सिटी को विकसित करने के लिए उनको यहां पर जाना जाता है ठीक है इसके अलावा मैट जीनोम नाम की कंपनी के जो फाउंडर आपके यहां पर बनते हैं प्रताप अनेनी एनी वॉज अवारेड इन द स्टार्टअप कैटेगरी एट द सेम इवेंट सज्जन जिंदल इज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ द जे एस डब्ल्यू ग्रुप ऑफ़ द कंपनीज उसके यहाँ पर चेयरमैन uh, और एमडी बनते हैं इट इज बिकॉज ऑफ हिज विजन दैट द ग्रुप हैज गेन अ डिस्टिंग प्लेस इन द बिजनेसिस ऑफ स्टील टू माइनिंग एनर्जी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉफ्टवेयर सभी क्षेत्रों में यहाँ पर जे ग्रुप ने शानदार प्रगति की है आगे बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज सियांग फेस्टिवल अगर कुछ गलत प्रोनशिएट हो जाए तो माफी चाहूंगा है ना ये एक फेस्टिवल का नाम है जो जो फेस्टिवल आपके यहाँ पर बनता है इट इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ आदि कम्युनिटी सेलिब्रेटेड इन बोलेंग अरुणाचल प्रदेश ये फेस्टिवल सियांग फेस्टिवल ये बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश में आपका सेलिब्रेट किया जाता है आदि कम्युनिटी के द्वारा जो लोग होते हैं आदि कम्युनिटी के लोग वो इसको सेलिब्रेट करते हैं इट इज अ सेलिब्रेटेड टू मार्क द ब्रिगनिंग बिगिनिंग ऑफ दी आदि कम्युनिटीज़ न्यू ईयर तो बेसिकली आदि कम्युनिटी के न्यू ईयर को दर्शाता है और आदि कम्युनिटी अपना नव वर्ष इस फेस्टिवल के साथ मनाती है द अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन है ना तो जो बेसिकली मौसम आता है उस मौसम को बेसिकली स्प्रिंग सीजन को यहाँ पर ये यह लोग सेलिब्रेट करते हैं एंड ए स्ट्रेंथिंग द बॉन्ड अमंग द कम्युनिटी और ये इनके समुदाय के लोगों के बीच में जो भावना है उसको और बॉन्ड को और मजबूत करता है आदि मेजर ग्रुप ऑफ दबिट्स दी लोअर पार्ट ऑफ द लोअर दिवांग वैली डिस्ट्रिक्ट एंड स्पेशली इन रोइंग एंड दम एरियाज में ये लोग आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे आदिज आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर बेसिकली ये लोग एग्रीकल्चर पर ही निर्भर हैं इस कम्युनिटी के लोग बोथ वेट राइस कल्टिवेशन एंड सिफ्टिंग कल्टीवेशन तो यहाँ पर चावल कल्टीवेशन भी करते हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते हैं मतलब कि एक वक्त के लिए कहीं पर एग्रीकल्चर किया फिर कुछ वक्त के लिए दूसरी जगह एग्रीकल्चर किया तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की भी प्रैक्टिसाइज़ ये करते हैं पदम्स मिलांग्स कोमकार्स और भी अदर कम्युनिटी आपकी यहाँ पर है ठीक है ये भी इनको यहाँ पर बोला जाता है हिल पीपल इनके कुछ दूसरे नाम भी हैं जो लोग इनको यहाँ पर पुकारते हैं नेक्स्ट एम प्रोफेसर नेम एज कृष्णन बालाकृष्णन यहां पर जीता है 2023 का मार्कोनी प्राइज ओके कंप्यूटर साइंटिस्ट है हरी बालाकृष्णन जिन्होंने जिन्हें 2023 के मार्कोनी प्राइज के लिए आपके यहां पर चुना गया है डॉक्टर बालाकृष्णन इज अ प्रोफेसर ये बेसिकली एक प्रोफेसर है इन द डिपार्टमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एट द मैसाच्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एम में मार्कोनी प्राइज़ की बात अगर हम करें इट इज़ अ टॉप ऑनर फॉर द कंप्यूटर साइंटिस्ट ये कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए एक बहुत ही बड़ा सम्मान होता है एंड इट इज़ अवार्डेड बाय द यू एस बेस्ड मार्कोनी फाउंडेशन और अमेरिका का मार्कोनी फाउंडेशन इस अवार्ड से लोगों को नवाजता है या कंप्यूटर साइंटिस्ट को सम्मानित करता है इट इज़ गिविन टू दो ये अवार्ड किसे दिया जाता है हु हैव मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंक्रीजिंग द डिजिटल इंक्लूसिविलिटी मतलब जिन्होंने डिजिटल इंक्लूसिविटी लोगों को डिजिटली आगे बढ़ने में मदद की है उसके लिए अपना योगदान दिया है थ्रू दी एडवांस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से उनको इस सम्मान से आपका सम्मानित किया जाता है डॉक्टर बालाकृष्णन हैज इन साइटेड फॉर दी फंडामेंटल कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्किंग मोबाइल सेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए इनको यहाँ पर जाना जाता है इसमें उन्होंने अपना योगदान दिया है दैट्स वाई कि उनको इस सम्मान के लिए सम्मानित किया जा रहा है डॉक्टर बालाकृष्ण हैज प्रीवियसली वॉन दी इन्फोसिस प्राइज दो हजार बीस में उन्होंने इन्फोसिस प्राइज भी आपका यहाँ पर जीता था एंड दी आई ई को जी कोबायासी कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन अवार्ड भी जीता था 2021 में अगर हम प्रीवियस विनर्स की बात करें मार्कोनी प्राइज की तो इसमें यहाँ पर टिम बर्नर्स ली, गूगल को फाउंडर आपके इसमें शामिल हैं, साइन फाई ऑथर सी क्लार्क भी इसमें शामिल हैं। इनको भी ये पुरस्कार आपके यहाँ पर दिया जा चुका है तो चलिए न्यूज वाला पार्ट तो हमारे यहाँ पर समाप्त हुआ फैक्ट बुक भी हमारे यहाँ पर समाप्त हुई बहुत सारी न्यूज हम लोगों ने आप सभी के साथ यहाँ पर डिस्कस की अब बारी है एमसीक्यूज की तो फटाफट फटाफट एमसीक्यूज का आंसर देना शुरू कीजिएगा क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेट्स रिसेंटली हैड कन्फाइंड फील्ड टेस्ट ऑफ पिंक बॉल वॉर्म रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन अप्रूव्ड बाई दी ई राज्य का नाम आपको यहां पर बताना है कि कहां पर रिसेंटली यहां पर जो फील्ड टेस्ट है उसको अप्रूवल यहां पर दी गई है जो पिंक सुड़ी होती है जो कि कपास के फूलों पर आपकी यहां पर लगती है तो ये बेसिकली उसके लिए रेजिस्टेंट का, का काम करेगी जीएम फसल जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है जिस पर उस पिंक सुड़ी का असर नहीं होगा ठीक है बेसिकली तो महाराष्ट्र हरियाणा राजस्थान तो हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हमने देखा था कि वहां पर इसके ट्रायल फील्ड ट्रायल के लिए अप्रूवल दे दी गई है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट होम uh, among the following has recently become the first Asian male to win the SAG award in 2023. 2023? थाउजेंड के लिए अगर हम बात यहाँ पर करें तो SAG award के पहले एशियाई पुरुष करता, first male actor जिन्हें यहाँ पर SAG award 2023 आपके यहाँ पर दिया गया है सही जवाब शाहरुख खान नहीं 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 ली जंग ये मिल चुका है अब बात है फवाद खान की और की हुई क्वांग क्वांग के हुई ये नाम यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर के हुई क्वांग है ना नेक्स्ट रिसेंटली डेवलप्ड वायु लिंक इज जो वायु लिंक है वो बेसिकली क्या है इसे हाल ही में विकसित किया गया वायु लिंक को एक जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन सिस्टम है ड्रोन मैनेजमेंट सिस्टम है एग्रीकल्चर लिंकिंग टेक्नोलॉजी है या फिर बल्क मैसेजिंग लिंक सर्विस है क्या है वायु लिंक वायु लिंक एक बेसिकली जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसका इस्तेमाल भारतीय वायु सेना अभी टेस्टिंग उसकी हो रही है आगे चल के बाकी आर्मी और नेवी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट इन विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज हैव साइंटिस्ट रिसेंटली दंट्रीज द न्यू लेयर एट दर्थ इनर कोर पृथ्वी के आंतरिक कोर में इनर कोर में एक नई लेयर का जो यहाँ पर डिस्कवरी की है या उसके प्रूफ यहाँ पर निकाले हैं वो किस देश के साइंटिस्ट ने आपके यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कनाडा और यूके फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा किस देश के वैज्ञानिकों ने रिसर्चर्स ने यहां पर पृथ्वी के इनर कोर में यहां पर एक नई लेयर को फाइंड आउट आपका यहां पर किया है वैज्ञानिक ये कम्युनिटी जो आपकी यहां पर बनती है किस कंट्री की कम्युनिटी बनेगी फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा यूके पक्का बाकी लोग पक्का गोविंद सिंह जी भी कह रहे हैं डी यूके ओके वेरी गुड पक्का यूके ही सही जवाब है सोच लीजिए साइंटिस्ट कहां के साइंटिस्ट ने इसको फाइंड आउट किया है आगे बढ़ने से पहले सेशन को लाइक करना मत भूलो एक एमसीक्यू और बाकी है एक बार फटाफट से आखिरी एमसीक्यू का डिस्कशन यहां पर और कर लीजिए आखिरी एमसीक्यूज के डिस्कशन से पहले सेशन को सभी लोग फटाफट से लाइक यहां पर जरूर कर दें जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं सेशन को फास्टली यहां पर लाइक कर दें जाने से पहले लास्ट एमसीक्यू आपके यहां पर बाकी है ओके एवरी वन यूके लोग यहां पर बोल रहे हो आई डोंट नो कि आपने क्या सोचकर यहां पर यूके सा पर बोला है बट हम लोगों ने अभी न्यूज में डिस्कशन किया था आप सभी के साथ कि ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका सबूत यहां पर फाइंड आउट किया था तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नॉट यूके नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेट हैज रिसेंटली बिगन द फर्स्ट स्रेंकनाइज वर्ल्चर सर्वे यहां पर तीन राज्य हैं जिन्होंने मिलकर श्रिंकनाइज वल्चर सर्वे आपका यहां पर कंडक्ट करने की बात कही है तीनों राज्य मिलकर श्रिंकनाइज वल्चर सर्वे कंडक्ट करेंगे तीनों राज्यों के नाम यहां पर क्या बनेंगे पांच ऑप्शन तो केरला है कर्नाटका है और तमिलनाडु है क्योंकि ये तीनों के तीनों राज्य वेस्टर्न घाट को टच करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है, है ना हमने डिस्कशन किया था तो चलिए यहां पर डिस्कशन आपका यहां पर पूरा हुआ सेशन आपका यहां पर कंप्लीट हुआ ये कंप्लीट स्केड्यूल है महा तैयारी का सी डी एस सी ए पी एफ एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस आपकी यहां पर चल रही हैं सुबह आठ बजे से लेकर सुबह आठ बजे और दोपहर दो, दो बजे इंग्लिश सेशन इकोनॉमिक्स का सेशन सुबह नौ बजे जीएस पॉलिटी का सेशन दोपहर बारह बजे मंडे टू फ्राइडे जनरल साइंस का सेशन शाम चार बजे और शाम सात बजे मैथ्स का सेशन शाम पाँच बजे और जनरल स्टडीज़ शाम छः बजे और करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर रात आठ बजे तो इन सभी सेशंस को आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं इन सभी सेशंस का हिस्सा आप यहां पर बन सकते हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर पाएँ एम एप्लीकेशन पर भी आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन पर आपको बहुत सारी ई बुक्स मिल जाएंगी जिन्हें आप आ, आ, अलग से आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है किताबें आपको इस एप्लीकेशन के अंदर ही मिल जाएंगी आप वहाँ से उनको रीड आउट कर सकते हैं कोइज uh, दे सकते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देख सकते हैं ये एक एआई पावर्ड एप्लीकेशन है जिसमें बहुत सारे यूजर फ्रेंडली फीचर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं तो जरूर इस्तेमाल कीजिए और वॉच आउट कीजिएगा एम बाईव एप्लीकेशन को टेलीग्राम चैनल को आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं सेशंस के अपडेट्स और पी के लिए तो थैंक यू सो मच एवरी फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन लाइव कीप एम वी विलीव इन यू थैंक यू अंकित गुप्ता साइनिंग ऑफ Keep imbibing. We believe in you.